चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर उसके बाद देखेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो चार्जेस मान लेते हैं, चलिए छोड़िए इसमें है नहीं। एक और पर्सन विकास चौरसिया, ये मान लेते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई और यहां ओरिजिन है। यहां पे दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्यू वन और क्यू टू। जो क्यू वन का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वन वेक्टर, और क्यू टू का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर टू वेक्टर। ठीक, तो Q1 का Q2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा पोजीशन वेक्टर और Q2 का Q1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं Q2 का Q1 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये वाला, ठीक है। और उसी तरीके से पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या हो जाएगा, ऐसे ये वापस जाते हुए होगा उल्टा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज, और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं Q1 और Q2 की जो बीच की डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R। उस सिचुएशन में जो फोर्स का मतलब F वेक्टर का मतलब क्या होता है, F वेक्टर मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, यही मतलब होना है। तो अगर हम लोग फोर्स का वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखा जाए, मैग्नीट्यूड हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखा जाए तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हम फोर्स निकाल रहे हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकाल रहे हैं अगर हम लोग, तो हम लोग यहां रखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रखेंगे वो रखेंगे आर टू वन कैप, यानी कि पोजीशन यूनिट वेक्टर अलोंग द चार्ज टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, जैसे कि भैया ये तो जानते होगे ना कि जैसे मान लो आर टू वन वेक्टर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका डायरेक्शन होता है, तो वही मैंने लिखा है R21 कैप, ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसको F12 इसी तरह से क्या लिखा जा सकता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया हमारा डायरेक्शन। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, ये जो कैप लगाया है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो इसलिए इसको फॉर्म को बोलेंगे यूनिट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर आ जाएगा एग्जाम में कि राइट द यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ, तो इस फॉर्म को ही लिखेंगे। ठीक, इसके बाद तो ये दो तो हो गया। ठीक है, अब इसको और भी अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखा जाए, लाइए ब्लू पेन से, देखिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं
हम लोग को मालूम है आर टू वन वैक्टर इक्वल टू होता है आर इंटू आर टू वन कैप, ठीक है। तो आर टू वन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टू वन वैक्टर अपॉन आर, ठीक है। इसको उठा के ये जो इक्वेशन नंबर वन है, इसको इक्वेशन नंबर टू मैंने लिख दिया, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए, पुट इन वन, क्या मिल जाएगा आपको, एफ टू वन वैक्टर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और आर टू वन कैप की जगह लिख दीजिए आर टू वन वैक्टर अपॉन आर। तो टोटली ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू, और नीचे देखिए आर क्यूब हो जाएगा, दो तो पहले से था एक और आ गया, तो आर क्यूब इंटू आर टू वन वैक्टर होगा यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया एफ टू वन वैक्टर इक्वल टू, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वेक्टर साइन के साथ आर टू वन कैप जो लिखा गया, आर टू वन वैक्टर जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं पोजिशन वैक्टर। ये हो जाएगा पोजिशन वैक्टर फॉर्म, पोजिशन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो दो तरीके से आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, एक तो आपका हो गया यूनिट वेक्टर फॉर्म और एक हो जाएगा पोजिशन वेक्टर फॉर्म। इसी तरीके से एफ वन टू लिख दिया जाए, इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख देते हैं, जब जरूरत होगी तो यूज कर लिया जाएगा। इसी तरीके से एफ वन थ्री लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो सॉरी एफ वन टू वैक्टर इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा R12 वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक। वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, आप ये जानते हैं कि R12 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ R21 वेक्टर होता है, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, भी मैंने डायग्राम में भी आप लोगों को समझाया था, ठीक है। चलिए तो इसी चीज को ऊपर पुट कर दीजिए, पुट इन फोर, पुट इन फोर, फोर में पुट करिए तो फटाक से क्या मिलेगा बताइए, मिलेगा आपको एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब। अब देखिए R12 का जब माइनस टू वन जब पुट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा आगे और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। अगर आप यूज इक्वेशन थ्री, अगर इक्वेशन थ्री को ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन थ्री में यही वाला चीज लिखा हुआ है और ये कितने की इक्वल है, ये इक्वल है F21 वेक्टर के, तो माइनस F21 वेक्टर, तो हमें मिला F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन वन due to 2 is equal to force on 2 due to 1 and they are in opposite direction. इसका मतलब कि ये एक तरीके से न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है, ठीक है, कि एक बॉडी दूसरे बॉडी जितना फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरीफाइज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि वेरीफाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोगों को आगे करना पड़ेगा। इसके बाद फटाक से देखा जाए एक चीज और, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये मतलब है कि मान लो कि कोई एक चार्ज है, ठीक है, क्यू नॉट, इसके आसपास ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक, और हमें सबकी वजह से जो है इस पे टोटल चार्ज, टोटल मतलब फोर्स हमें बताना है कि इसके ऊपर कितना लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यू वन चार्ज है, तो क्यू वन चार्ज तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि जो क्यू वन चार्ज है वो इन इसके ऊपर एफ वन फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन तो किधर भी होगा देखा जाएगा,
फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन, एफ जीरो वन मान लेते हैं। ऐसे ही जो क्यू टू चार्ज है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मैं मान लेता हूं फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू टू, एफ जीरो टू लगा रहा है। इसी तरीके से हम ये क्यू थ्री को भी लिख देते हैं, हो जाएगा फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू थ्री, ये हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई nth चार्ज है, ठीक है, qn, तो वो लगाएगा फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू n। तो अब बात ये आ जाती है कि टोटल इसके ऊपर कितना फोर्स लगा। दो दो के बीच का तो कूलम्ब साहब बता के चले गए कि दो चार्ज रहेगा उसके बीच का हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगर दो से अधिक चार्जेस एक बार में आ जाएं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये वाला लॉ आपके सामने आया। ये बोलता है टोटल नेट फोर्स इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो वेक्टर सम करेंगे, डायरेक्ट सम नहीं, ध्यान देना ये वेक्टर सम है, ठीक है। ये 2 प्लस 3 वाला इक्वल टू 5 वाला सम नहीं है, ये वो वेक्टर वाला रूल है, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, ठीक है। ऐसे करते करते कहां तक, f0n, इस तरीके से। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। करना क्या है आपको, सारे फोर्सेस को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिएगा, एफ वन अलग कैलकुलेट कर लीजिएगा, एफ टू अलग कैलकुलेट कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है दोनों का वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम अगर दो चीजें ऐसी होती हैं, याद करिए, थोड़ा सा फॉर्मूला याद दिला दे रहा हूं। अगर लिखा है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो हम लोग कैसे लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। और डायरेक्शन कैसे लिखते थे, मान लीजिए a से आपको डायरेक्शन लिखना है, हम लोग लिखते थे tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला ना हो तो कहीं लिख करके रख लीजिए या याद कर लीजिए, याद पहले से है तो भैया बहुत अच्छी बात है। अब जो देखा जाए वो ये है इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि दो या दो से अधिक चार्ज हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम किस तरीके से पता चलेगा। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड मान लो सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो भी सिस्टम ऑफ चार्ज, ये हेडिंग है, ठीक। इसको हम लोग देखा है। तो सबसे पहले कि मान लो कि ये कोई चार्ज Q नॉट है, ठीक, इसमें ढेर सारे फोर्स F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, और ऐसे ही Fn अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए ये है कि सारे फोर्सेस का जो सम होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, यानी कि नो नेट फोर्स शुड एक्ट ऑन द क्यू नॉट। तो क्या होगा, एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर प्लस ऐसे करते करते एफ एन वैक्टर, यानी कि सारे फोर्सेस का जो वैक्टर सम होना चाहिए वो हमेशा जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि कोई सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद देखा जाए तो यही हम लोग का तरीका है, मतलब किसी चार्ज को चेक करना हो कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है,
तो उसका सारे फोर्सेस निकाल लीजिए, सबका वेक्टर सम कर लीजिए, और वेक्टर सम अगर आपका जो है वो आ जाता है कितना, अगर वेक्टर सम अगर आपका आ जाता है जीरो, तो इसका मतलब ये है कि वो फोर्सेस किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक, इसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जा रही होगी जिसमें बोल रहा होगा कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो उसमें तीसरा चार्ज कहां पे रखा जाए कि वो पूरे तरीके से इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो वैसे में हम लोग क्या करेंगे, देखा जाए, अलग पेज पर देखें, चलिए यहां देखते हैं। If there is two charges, Q1 and Q2, and a charge Q0 is placed near to it, then for equilibrium, equilibrium के लिए क्या होना चाहिए, मान लेते हैं कि इस तरीके से है, ये एक सिचुएशन मान रहे हैं। ठीक है, ये कोई परफेक्ट नहीं है, बस एक सिचुएशन मान रहा है, ये Q1 है, ये Q2 है, और यहीं पर हम लोगों ने कहीं पर Q0 रख दिया। तो Q1 मान लीजिए कि इसको सब सेम साइन के हैं, तो इसको रेपल करेगा F01 वेक्टर, और Q2 भी इसको रेपल करेगा, तो हो जाएगा F02 वेक्टर। तो अगर Q0 इक्विलिब्रियम में है, मतलब Q0 अगर इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल फोर्स होना चाहिए Q0 पे वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q0, टोटल फोर्स कौन कौन सा फोर्स लग ही रहा है इसके ऊपर, F01 लग रहा है और F02 लग रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम होना चाहिए जीरो। इसका मतलब है F01 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F02 वेक्टर। माइनस साइन यहां ये बता रहा है कि दे शुड एक्ट अपोजिट टू ईच अदर, और ये वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि दे शुड हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सिचुएशन होनी चाहिए Q0 की। अब देखो, अब Q1 Q2 के केस में तीन चीजें मिलेंगी, और ये एक तरीका याद कर लो, एक ट्रिक है, इसको याद कर लो, क्या है ट्रिक, देखा जाए। सबसे पहले पहली सिचुएशन, इफ ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इफ Q1 एंड Q2 बोथ आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों का सेम साइन है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, ठीक है, देन then Q0 must be placed between them, उनके बीच में रखना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, और दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम, मतलब मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, या दोनों निगेटिव हैं तो भी यही केस रहेगा, अगर दोनों निगेटिव होंगे तो भी यही केस रहेगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोगों को जो Q0 जो चार्ज रखना है वो हमेशा हम लोगों को रखना है बीच में, ठीक है, और बीच में रखना है, बीच में भी तो बहुत सा जगह है, कहां रख दिया जाए, तो उसके लिए ये हमेशा जो है जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए दिमाग में कि Q1 इज स्मॉलर देन Q2, ठीक है, तो स्मॉलर चार्ज की तरफ मिलेगा ये, तो स्मॉलर चार्ज Q1 है,
तो यहां कहीं आसपास में क्यू नॉट को जब आप रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में मिलेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई पहले क्वेश्चन में। अब दूसरा देख लिया जाए, सेकंड सिचुएशन बी, इफ क्यू वन एंड क्यू टू हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, मान लो कि एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला निगेटिव है। मैं मान ले रहा हूं क्यू वन पॉजिटिव है और क्यू टू वाला जो है वो निगेटिव है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी मान ले रहे हैं कि जो क्यू वन का मैग्नीट्यूड है वो क्यू टू से कम है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब साइन को भूल जाओ। तो ऐसे केस में क्यू नॉट को जो आपको रखना है वो हमेशा बियॉन्ड द लाइन लिखना है, मतलब ये जो बिटवीन जो बीच की जो लाइन है इस पे नहीं रखना है, इसके बाहर रखेगा, ठीक है। तो बाहर तो दो दो एरिया हो गया, इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। तो जो छोटा चार्ज होगा स्मॉलर चार्ज की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर चार्ज क्यू वन है तो यानी कि इसकी जो पोजिशन होगी क्यू नॉट की इक्विलिब्रियम के लिए वो स्मॉलर चार्ज की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन मैंने बता दिया और इसी दो सिचुएशन पे अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं फिर से, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये मैं दिमाग सोच लिया कि पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। तो क्यू वन की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। और इसमें दो चीजें हैं, मैंने बताया था ना कि F01 उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F02। ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज तो ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, देखो वेक्टर नहीं लगाया मतलब मैग्नीट्यूड है। और दूसरा बात क्या कि दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, दे मस्ट हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो आप ये प्रूफ कर लो या फिर मैग्नीट्यूड पहले देख लो इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट डे पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चैप्टर आपका खत्म हो गया कूलॉम्स लॉ को, हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चीजों को देखेंगे। कल फिर से जो है बिल्कुल टाइम से सारे लोग आ जाएंगे। ओके, वेलकम। चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं।